फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक, सब फाइन। आज फ्लूइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा नॉलेज पे बेस्ड है टॉपिक। इसका नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, नाम है वेंचुरी मीटर। अब आप सबको पूछता है, इफ एनीवन आस्क फ्रॉम यू, अगर आपसे कोई पूछता है कि वेंचुरी मीटर क्या है, तो बोलोगे सर इट मेजर फ्लो स्पीड। किसका फ्लो स्पीड सर? फ्लूइड का, ऑब्वियसली। क्योंकि आपको पता है ना बेटा, जैसे मान लो आप फ्लूइड में जानते हो ना, मैंने पढ़ाया था ना कि जहां पे एक ट्यूब है, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का कम हो जाता है, ट्यूब पतली हो जाती है, वहां स्पीड बढ़ जाती है फ्लो की। और जहां ट्यूब चौड़ी होती है, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का ज्यादा रहता है, तो वहां पे स्पीड कम होती है। ये तो हमें पढ़ा है कंटिन्यूटी के इक्वेशन में, पिछले वीडियो में देखना जाकर। तो जहां पे ट्यूब पतली हो जाती है वहां स्पीड बढ़ जाती है, जहां ट्यूब थोड़ी सी ज्यादा मोटी हो जाती है, जहां ट्यूब का रेडियस ज्यादा हो जाता है, आपको अच्छे से पता है, जहां ट्यूब का रेडियस ज्यादा हो जाता है आपको अच्छे से पता है, हाँ कम हो जाती है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला बना दो सर जिससे हम वैल्यू निकाल दें कि यहाँ पे स्पीड ये है, यहाँ पे स्पीड ये, तो वो वेंचुरी मीटर से पता चल जाता है। सुनो, वेंचुरी मीटर में होता क्या है, जरा सुनोगे ध्यान से। सबसे पहले एक ट्यूब होती है, ट्यूब देख रहे हो ना आप, आपको दिख रहा है ट्यूब? बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब ट्यूब में क्या है, आप देखो ये मीटर इंट्रेंस एंड है, यहाँ से ट्यूब जा रहा है पाइप से, देखो ये पाइप है ना, इसमें तो यहाँ पे जो जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ब्रॉड एंड है, यहाँ पे एरिया चौड़ा है, यहाँ पे एरिया की चौड़ाई ज्यादा है, तो यहाँ पर एरिया को मैंने कैपिटल ए मान लिया, और बीच में एरिया कम हो गया तो यहाँ के एरिया को मैंने स्मॉल ए मान लिया है। यहाँ पे ज्यादा ब्रॉड है तो कैपिटल ए, यहाँ पे कम ब्रॉड है तो स्मॉल ए, और वापिस तो फिर वही एरिया हो गया निकलने के टाइम। बस यहाँ पे सेम एरिया, बीच में ट्यूब पतली हो गई है ध्यान। तो यहाँ पे अगर फ्लो स्पीड हम मानेंगे, सोचने वाली बात है, मान लो यहाँ पे फ्लो स्पीड को हमने कैपिटल वी मान लिया फ्लो स्पीड, और यहाँ के फ्लो स्पीड को मैंने स्मॉल वी मान लिया, मतलब कैपिटल वी कहाँ पर है, यहाँ पे ब्रॉड है। ओके क्लियर? ठीक है, कैपिटल वी स्मॉल ऐसे मान लिया। ठीक है, अब या तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कैपिटल वी स्मॉल वी से अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। बोलो कैसे लिखेंगे, क्या बोल रहा हूँ, हम ऐसा करते हैं कि इधर के एंड को वन कहते हैं, तो इसको वी वन लिख देते हैं। यहाँ के स्पीड को हम V1 लिख देते हैं, V1, और यहाँ के स्पीड को V2। इधर जहाँ पे ट्यूब पतली होगी उसको 2 मान रहे हैं, 2 नंबर पे दे रहे हैं, जहाँ ट्यूब मोटी है वहाँ V1 मान, और ये एरिया आपका कैपिटल, ये एरिया यहाँ पे छोटा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ स्पीड V1, यहाँ स्पीड V2, फिर स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे फिर वही स्पीड आ गई, यहाँ पे फिर स्पीड हो गई V1, फिर सेम हो गई, बीच में बस ट्यूब पतली हो रही है, तो यहाँ पे एरिया भी कम होगा और स्पीड ज्यादा होगी, और यहाँ पे एरिया ज्यादा है वहां स्पीड कम होगी। ठीक है, तो पता ही हमें। अब क्या है, यहाँ पे तो ये आपका ट्यूब है, ट्यूब के नीचे एक और मशीन लगा दी जाती है, इसे मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैनोमीटर, मैनोमीटर, इसे कहते हैं मैनोमीटर। ये मैनोमीटर क्या है, बेसिकली मैनोमीटर एक अलग यू ट्यूब होता है, नीचे से ये अलग मशीन है, ये अलग मशीन है, ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बैरोमीटर, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, मैनोमीटर का क्या काम है, ये मैनोमीटर क्या चीज है सर, ये मैनोमीटर के बारे में बताओ कुछ। तो कहा जाता है ये जो मैनोमीटर नीचे लगा है बेटा, ये मैनोमीटर ये मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर नहीं, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, बिटवीन टू एंड्स। तो अब क्या है, ऑब्वियसली बात है, लिक्विड यहां से यहां फ्लो कर रहा है, इधर से इधर, तो ये पक्की बात है बेटा एक एंड हाई प्रेशर पे होगा, तो यहाँ पे इधर वाले एंड पे प्रेशर P1 मान लो, और यहाँ पे प्रेशर क्या मान लो, P2 मान लो, यहाँ पे प्रेशर P2 कहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ पे प्रेशर P1। ठीक है, अब प्रेशर डिफरेंस कितना होगा यहाँ और यहाँ के बीच, ये तो पक्की बात है, यहाँ हाई प्रेशर होगा तभी इधर जा रहा है फ्लूइड, तो कितना P1 और P2 दोनों एंड में, ब्रॉड और नैरो एंड पे जो प्रेशर है उनके बीच डिफरेंस क्या होगा,
ये मेजर करने के लिए एक मैनोमीटर जैसी मशीन लगा दी जाती है, जो यूज ट्यूब होता है जिसमें, और मर्क्यूरी भरा होता है। ये क्या भरा हुआ है इसके अंदर? मर्क्यूरी। और ये भी पक्की बात है कि प्रेशर में कौन ज्यादा है? P1 ज्यादा है P2 से, तभी तो इधर से इधर लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो अब P1 जिधर जिधर प्रेशर ज्यादा होगा इधर, तो इधर का मर्क्यूरी लेवल ना नीचे दब जाएगा अपने आप प्रेशर ज्यादा होने के कारण, इधर का मर्क्यूरी लेवल उठ जाएगा। तो आपको एक H मिलेगा, ये H। अब ये H क्या है यहां पर, ये भी देख लो मैनोमीटर में H क्या है। H है लेवल, H क्या है ध्यान से देखो, लेवल डिफरेंस होता है किसका? लेवल डिफरेंस किसका? मर्क्यूरी का। इसका बेटा बताओ लेवल डिफरेंस किसका? मर्क्यूरी का। कहां? इन बोथ आर्म, दोनों आर्म में। किसके दोनों आर्म में बेटा? जो नीचे जो मशीन लगी उसका क्या नाम है? मैनोमीटर। मैनोमीटर, तो मैनोमीटर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब हैविंग मर्क्यूरी, एंड व्हाट इट डज, इट मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड। यहां दो एंड कौन है? ब्रॉड एंड और नैरो एंड। इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा फ्लो कर रहा है, इधर प्रेशर होगा, इधर का मर्क्यूरी लेवल डाउन हो जाएगा, इधर का मर्क्यूरी लेवल उठ जाएगा। एक प्रेशर, एक लेवल का डिफरेंस पता चल जाएगा, और उसके बाद जब ये पता चल जाएगा तो फिर आप प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो। P1 माइनस P2 रो जी एच, रो रो एम, रो एम का मतलब किसकी डेंसिटी है? रो एम का मतलब हो गया बेटा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। यही काम है मैनोमीटर का। नीचे वाले का काम खत्म हो गया। ये मैनोमीटर क्यों लगाया जाता है? सिर्फ दोनों एंड के बीच प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के। कैसे कैसे होता है पता चला? एक एंड इसका ब्रॉड एंड पे, एक एंड इसका नैरो एंड पे। जहां हाई प्रेशर होगा तो जो ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी है वो नीचे चला जाएगा, उठ जाएगा, एक लेवल का डिफरेंस पता चल जाएगा। और फिर रो जी एच फॉर्मूले से, रो मर्क्यूरी का, जी ग्रेविटी, और एच जो लेवल का डिफरेंस आया, इससे प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा। इसका काम खत्म हो गया, नीचे का काम खत्म, नीचे वाले मशीन का काम खत्म। अब हम आते हैं वापस। अब क्या करो? सीधे अब लगा दो बर्नौलीज थ्योरम। अब लगा दो बेटा बर्नौलीज थ्योरम। कहां कहां पे? ए पे, वही ए मत बोलो ना, एट पॉइंट का नाम बोलो। एट पॉइंट कहां पे? वन पे और पॉइंट टू पे, यानी कि ब्रॉड एंड पे और नैरो एंड पे लगा दो बर्नौलीज थ्योरम। तो क्या बर्नौलीज थ्योरम था आपको याद है? यहां का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बर्नौलीज, यही है ना? तीन एनर्जी होती है ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कहीं पर भी देखेंगे वो सेम होगा। बर्नौलीज थ्योरम जाके देखना, वन पे लगा दिया वही तीनों एनर्जी, यहां पे देखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम वाली P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 हो गया। अब ये बोलोगे H1 H2 क्या होता है थ्योरम में? ग्राउंड से हाइट। ये एच पे मत आना, ये एच का कार्य अलग चीज है। ये थ्योरम में जो H1 H2 होता है ये क्या होता है? दोनों एंड की हाइट कहां से? ग्राउंड से। तो ऑलमोस्ट जो यहां की हाइट है ब्रॉड एंड की, वही ऑलमोस्ट यहां पर की हाइट है नैरो एंड की। तो ये H1 H2 बेसिकली सेम होता है, तो इसको लिखने से काट देते हैं। क्यों काट दिया? क्योंकि जो दोनों एंड की हाइट है पोटेंशियल एनर्जी वाले में, ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जाके देखना तो वीडियो एक बार बर्नौलीज का, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों वन और टू की हाइट जो ग्राउंड से हम लेते हैं एनर्जी में वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो कट गया। कटने के बाद क्या बचा भाई? जब कट गया तो कटने के बाद क्या बचा? तो सर कटने के बाद यही बचा सर, P1 माइनस P2, इधर क्या बच गया सर? रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये बच गया सर। अब इसमें जो रो आ रहा है ये क्या है, ये ध्यान रखना। ये जो रो है ना बेटा, ये अलग रो है, ये अलग रो है। इसमें जो रो आया वो किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है। ये रो अलग था, यहां का रो तो यहां काम आया मर्क्यूरी का, यह प्रेशर डिफरेंस। ये जो रो ले रहे हैं इसमें ये रो क्या है? ये रो तो उस लिक्विड का है जो फ्लो कर रहा है, याद रखना डेंसिटी। अब बोलोगे सर इतना हो गया कंप्लीट, यहां तक तो आपने ला दिया,
अब करें तो क्या करें, मुझे तो सर V1 V2 दोनों चाहिए अलग अलग, मुझे V1 भी चाहिए और V2 भी चाहिए, तो सर ऐसा क्या करें कि V1 V2 दोनों आ जाए। ये तो सर रिलेशन आया, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, मैं बोलूंगा हाँ भाई बोलो 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 क्या बोलना चाह रहे हो, क्या काम करूं मैं, बोलो क्या काम करूं। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, क्या काम करूं भाई, आपको पता है ना मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहां का एरिया इंटू यहां की वेलोसिटी इक्वल टू यहां का एरिया इंटू यहां की वेलोसिटी, हमेशा सेम होती है, ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जाके पढ़ना, एरिया इंटू वेलोसिटी एट वन एंड और एरिया इंटू वेलोसिटी एट अनदर एंड, हमेशा सेम होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है, जाके नोट्स देखना, जाके पुरानी वीडियोस को देखना जो मैंने भेजी है इस प्लेलिस्ट में। तो यहां से क्या आ गया बेटा, V2 को क्या लिख सकते हो, a by a into V1, क्या क्या मैंने पता चला, V2 को V1 में बदल दिया, क्यों बदला देखो। अब क्या करेंगे, अब वापस इस इक्वेशन में आ जाएंगे, क्या था हमारा इक्वेशन, V1 माइनस P2 जो बर्नौली में आया था, रो बाई टू देखते जाओ, और ये V2 स्क्वायर, V2 को जगह पे ये कर दो a स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या क्या मैंने पता चला, मैंने क्या क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया, क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यहाँ का एरिया इंटू यहाँ की वेलोसिटी बराबर यहाँ का एरिया इंटू यहाँ की वेलोसिटी बराबर कर दिया। उसके बाद क्या किया बेटा मैंने, उसके बाद V2 को V1 के फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद अब जो हमने बर्नौली थ्योरम लाया था जहाँ V2 V1 दोनों था, V2 का ये वाला रख दिया a/a × V1 स्क्वायर, इसका मतलब ये जो V2 स्क्वायर था वो पूरा V1 के टर्म में आ चुका है। अब दोनों में V1 स्क्वायर कॉमन है, आप दिख रहा है, देखो V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, बन जाएगा 2 P1 - P2 अपॉन रो a² / a² - 1। ये क्या हो गया भाई, ये मैंने क्या कर दिया, इतना मैथ तो आना चाहिए, मुझे V1 स्क्वायर निकालना है, तो वैसा ही हो गया जैसे XY पता है और XY में रिलेशन निकाल कर रख दो तो X आ गया, वैसे मोर आए V1 V2 में आया ना ये इक्वेशन, जो आया ये जो इक्वेशन आया आपका, इसे फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन बर्नौली से आया जिसमें V1 V2 दोनों हैं, मेरे को तो V1 अलग चाहिए V2 अलग चाहिए, तो मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V1 V2 का जो रिलेशन है वो लिया, V2 को V1 में बदल दिया, और फिर इस V2 का जो a/a × V1 आया है इसको यहां रख दिया, तो ये ऐसा बन गया, दोनों में V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा a² / a² - 1, बस हो गया बेटा। उसके बाद क्या किया मैंने, V1 स्क्वायर इधर छोड़ दिया, 2 इधर, रो नीचे, और a² / a² - 1 जो था वो नीचे आ गया, अलग पड़ गया, V1 स्क्वायर अलग कर दिया, ये V1 स्क्वायर आया, लेकिन मुझे V1 चाहिए, तो बोलोगे कोई बात नहीं सर V1 चाहिए तो इसको हटा दो यहां से, V1 इसको हटाओगे तो इसके लिए आप यहां रूट लगा दो, बस ये आ गई, एक एंड पे स्पीड आ गई, कहां किस एंड पे आ गई स्पीड, किस एंड पे, ब्रॉड एंड पे स्पीड आ गई, P1 - P2 प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड एंड नैरो एंड, जो कि मैनोमीटर दे चुका है पूरी वैल्यू, दोनों जगह का एरिया ब्रॉड का नैरो का पता है, V1 आ गया, V1 का मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किस एंड का आया, अभी ये फॉर्मूला बनाया किस एंड का, ये फॉर्मूला आ गया ब्रॉड एंड पे जो स्पीड है उसका फॉर्मूला आ गया। जब एक बार ये आ गया तो फिर इसको उठाकर कहां रख दो, यहां रख दो, तो ये भी आ जाएगा, कहां वापस कंटिन्यूटी में चले जाओ, V1 पता है, V2 आ जाएगा। क्या क्या मैंने, आप नहीं समझ पाए क्या मैंने, ये वेंचुरीमीटर करता क्या है, वेंचुरीमीटर में हम ये पता है कि जहां ब्रॉड एंड होता है ट्यूब का वहां स्पीड कम होती है, नैरो एंड पे स्पीड ज्यादा होती है, तो कितनी हो जाती है ये बताने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, फॉर्मूला याद कर सकते हो बिना देखे, अंडर रूट, ये ब्रॉड एंड का फॉर्मूला ब्रॉड एंड वाला है, अंडर रूट 2, ऊपर प्रेशर डिफरेंस, नीचे डेंसिटी किसका, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, और एरिया के स्क्वायर का रेशियो ब्रॉड और नैरो माइनस, और एक बार नैरो एंड पे ब्रॉड पे आ गया, यहां पे आ गया तो इधर पे निकालना, वही है रिलेशन पता है ना कंटिन्यूटी वाला, करना क्या है आप समझ में आया, ये मैनोमीटर का काम होता है, बस इनके बीच प्रेशर डिफरेंस निकाल के दे देना है, जो कि मुझे लास्ट में चाहिए, फॉर्मूले में चाहिए। उसके बाद हम लगा देंगे बर्नौली यहां पे और यहां पे, बर्नौली से ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा फर्स्ट, इसमें V1 V2 दोनों हैं, ऐसा करेंगे V2 को V1 बना देंगे, कहां से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a² × v1 इधर का, a² × v1 इधर का बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, V2 V1 के टर्म में आ गया, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर इस V2 को जो V1 के टर्म में आया
यहां रख देंगे तो पूरा इक्वेशन ही v1 में आ गया। v1 इस कॉमन ले लो आ जाएगा, स्क्वायर में आएगा रूट लगा दोगे वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला ब्रॉड एंड का है, नैरो पे निकालना है तो यहां आ जाओ v2 आ जाए। यही है कुछ, यही ऐसी पेपर में बेटा यही सब चीज आता है। अब बोलोगे सर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अब आप बोलोगे सर मैं हट जाता हूं, अब आप बोलोगे सर मुझे इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर मान लो न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे आएंगे सर, तो बता देता हूं कैसे आएंगे, ये भी देख लीजिए उसके बाद हम एंड कर देंगे। ओके बेटा वेंचुरी मीटर खत्म हो जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ही आया बेटा कि हमारा ना जो हमारी जो आर्टरी है जिसमें हमारे ब्लड फ्लो करते हैं आर्टरी, हमारा जो आर्टरी है ना बेटा, बोला ब्लड फ्लो कर रहा है एक आर्टरी में, सुनना बेटा एक जगह आर्टरी ना थोड़ी मोटी हो गई है, एरिया ज्यादा हो गया, वो एरिया दे रखा है 4 mm², और वही आर्टरी एक जगह पतली हो गई है, हमारी नसें एक जगह पतली हो गई वहां का एरिया दे रखा है 2 mm², ब्रॉड एंड का एरिया और नैरो का एरिया। ओके ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है दो एंड के बीच वो प्रेशर डिफरेंस दे रखा है निकालने की, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है ब्रॉड और नैरो एंड के बीच मैनोमीटर का काम करके दे रखा है ऑलरेडी 10^3 pascal। ओके ओके जो ब्लड फ्लो कर रहा है इस आर्टरी में जिस दो एंड के बीच प्रेशर डिफरेंस इतना है, वहां पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड की डेंसिटी भी गिवन है 1.3 × 10^3 kg/m³। ओके सर ओके सब कुछ दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताओ ब्रॉड एंड पे क्या स्पीड है और नैरो एंड पे क्या है। तो हम पहले मान लेते हैं V1 निकालते हैं, V1 मान लें, सबसे पहले V1 कहां पे स्पीड निकलता है, स्पीड एट बोरो क्या मतलब होता है, ब्रॉड पार्ट, कौन सा ब्रॉड पार्ट, जो आर्टरी है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो स्पीड हमने बताया था अभी आपको 2 मिनट पहले 2 √P1 - P2 / A² - A² - 1। अभी 2 मिनट पहले जगह नहीं, दोबारा देखता हूं फॉर्मूला, तो हमने तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था ना क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो एक बार हमें ये पता चले तो कैसे निकाल देते हैं V1, आपको पता है फॉर्मूला √P1 - P2 / √A² / A² - 1। ओके अब क्या करेंगे बेटा, फट से एक का हमें पता है V1 आ गया, तो फॉर्मूला 2 मिनट पहले आया था ना, V1 आ गया तो फिर V2 भी निकाल सकते हो बहुत सिंपली, कैसे, प्रेशर डिफरेंस पता है, अभी 2 मिनट पहले आया था ना A² कितना होगा 4 का² अच्छा मिलीमीटर, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसे बदलने की जरूरत नहीं, इसको बदलने की जरूरत है ही नहीं, किसमें, मीटर में, क्यों, क्योंकि जब सेम चीज है तो यूनिट क्यों बदलोगे, कट ही जाना है, प्रेशर डिफरेंस पता है, डेंसिटी ब्लड का पता है। तो पहले क्या आ गया, V1 आ गया, क्या आ गया, V1 का मतलब ब्रॉड एंड पे आ गया। अब दूसरी में निकालना है तो लगा दो कंटिन्यूटी, एरिया अब ब्रॉड इनटू स्पीड बराबर एरिया एट नैरो, वहां पर की स्पीड V2 आ जाएगा, एक एंड पे आ जाए ब्रॉड एंड पे तो नैरो पे निकालना कौन सी बड़ी बात है, लगा देंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकल जाएगा नैरो एंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, याद रखना बेटा वेंचुरी मीटर क्या है और एक एंड पे बस एक क्या सवाल आएगा, एक एंड पे एक ट्यूब दे देगा, आर्टरी दे देगा और एक ब्रॉड एंड दे देगा और एक नैरो एंड दे देगा, और बोलेगा एक एंड पे स्पीड इतनी है,
ब्रॉड एंड पे तो नैरो पे कितनी है, नैरो पे तो ब्रॉड एंड पे कितनी है, तो एक स्पीड निकाल कर अगली स्पीड निकाल देंगे। एक स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा पता होना चाहिए फॉर्मूला, किसका, ब्रॉड वाला, नैरो पे अपने आप आ जाएगा। तो बेटा ये जो आपने देखा आज की क्लास में, मैंने वेंचुरी मीटर पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, वेंचुरी मीटर डिस्कस कर दिया। अब वेंचुरी मीटर के बाद अब मैं नए टॉपिक में आऊंगा। आपको मुझे पूरी उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक जरूर करना, और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।